उत्तराखंड राज्यकाल चक्र के चरणों से चलते चलते 21 साल का हो गया है। 21 सालों के सफर में जो राज्य की अवधारणा थी, जो उसके प्राकृतिक संसाधन थे, सांस्कृतिक विरासतें थीं, उन सब में न केवल गिरावट आई है बल्कि लूट खसोट की पद्धति को इन 21 सालों में खूब बढ़ावा दिया गया है। क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्पहीनता ने उत्तराखंड राज्य को दिल्ली के राजनीतिक दलों पर ही निर्भर कर दिया है। 21 सालों के उत्तराखंड राज्य के सफर को जनपद बागेश्वर के राज्य आंदोलनकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने वर्षगांठ के दिन पहाड़ की अपनी पीड़ा को साझा किया है। राज्य को बने हुए एक गर्भ का बच्चा भी जो है वो जवान हो गया है। 21 साल के भीतर इन दोनों पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बारी बारी से जो है इस उत्तराखंड को लूटा है और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया है और यहाँ के जो है अपना वोट बैंक उन्होंने अपना सिद्ध करने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जो है उन्होंने इस उत्तराखंड की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस उत्तराखंड की दशा आज ये हो गई है कि लोग पूरे गाँव खाली हो गए हैं। तो बने हुए आज 21 साल हो गए। हमारे कई साथी शहीद हुए इसमें, मुजफ्फरनगर, मसूरी, खटीमा, और उनकी को देखते हुए हमें उत्तराखंड में 21 सालों में कई चीज़ें हमें मिली थी। जैसे हम ही बागेश्वर वालों को देख लीजिए आप, हर चीज़ के लिए अल्मोड़े पर निर्भर रहे। आज बागेश्वर का अपना डीएम है, अपना एसपी है, हर चीज बागेश्वर। लेकिन खोया हमने बहुत ज्यादा, आया कम खोया ज्यादा। जब हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमसे कहा कि आप पर्वतीय विकास मंत्रालय ले लो, लेकिन चुप रह दो। और आप पर्वतीय विकास मंत्रालय हमारे मांगे बिना हमको दिया गया।